हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द पोकेमोन बॉल जी वर्जन। जहाँ पे गए पिछली बार हम लोगों ने जो है गाइस यार यहाँ पे चैंपियन बन चुके थे। हमने हराया था दोस्तों रोहित को और हम अभी आ चुके हैं गाइस यार अपने माउंट पाजू के। ओके सो यस, यहाँ पर डॉक्टर ब्रीफ आ चुके हैं, देखते हैं क्या कहते हैं वो। हो ध्रुव, तो तुम वापिस आ चुके हो, मुझे कुछ तो तुम्हें बताना है, तुम मेरे साथ आ जाओ। ओके सो देखते हैं यहाँ पर अभी क्या कहते हैं डॉक्टर ब्रीफ। काइजर अपना यहाँ पे पोस्ट गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है अब से आने वाले 2-3 एपिसोड तक, तो देखते हैं। रिसेंटली यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो रेयर फाइटर्स के देखा जा चुका है, और वो मैं उन फाइटर्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें कभी भी यहाँ पे कैंटो लीग में देखा नहीं गया है। मैं उन्हें देखना चाहता था अपने आप से, बट तुम्हें पता ही है कि मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूँ। सेंस अभी मैं ये नहीं कर सकता। ध्रुव, मुझे पसंद लगेगा कि तुम वहां पे जाओ। ओके यहाँ पे रोहित भी आ चुका है। हे, वो मैंने सुना दादाजी आप बस ध्रुव को ही फेवर करते रहते हो हर टाइम। मैं भी यार एक फॉर्मर चैंपियन हूँ, मेरे भी फाइटर्स मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा पकड़े हैं और वो भी फास्ट। तुमने आपने मुझे भी यहाँ पे हैंडल करने के लिए कहा गया सजा है। वो आई नो ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें मैं मुझे तुम्हारी नहीं मदद चाहिए, मुझे तुम्हारे दोनों के फाइटर्स स्काउटर्स देना। ओके यहाँ पर स्काउटर ले लिए हैं यहाँ पर आपने। ओके दैट्स डन, अभी ये और भी फाइटर्स का डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। ओके हमारा स्काउटर जो है वो अपग्रेडेड हो चुका है। नाउ ध्रुव एंड रोहित, अभी इस टाइम तुम्हारे स्काउटर के ऊपर तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे फिल अप करने के लिए, और तुम अपना बेस्ट देने के लिए पूरी कोशिश करना इसे कंप्लीट करने के लिए, और ये यहाँ पे काफी ज्यादा एक मोन्यूमेंटल होगा एक ट्रेनर के लिए। ओके दादाजी काम डाउन, मैं इसे जल्दी कंप्लीट करके आपके पास लेकर आ जाऊंगा, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। आफ्टर ऑल मैं फॉर्मर चैंपियन हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ वन आइलैंड में के लिए देखने के लिए। एनीवेज आई एम आउट ऑफ हियर। ओके सो वो वन आइलैंड जा चुका है, बट हमें जो है वो वन आइलैंड नहीं जाना है क्योंकि गाइज हम जो है यहाँ पर जाने वाले हैं। ओके तो मैं आरओ विलेज दोस्तों यार इसलिए ही आया क्योंकि यार थोड़ा सा मुझे काम करना बाकी था, तो अभी मैं यहाँ पर दोस्तों जाने वाला हूँ यहाँ से सीधा मायको टाउन के लिए, माकोयो टाउन के लिए। क्योंकि क्या सर आपको पता ही है, अगर आपको पता हो कि सबसे पहले जो है वो रॉक टनल में से जो है वो यहाँ पर एक नदी जो जाती थी ना वो उन्होंने बंद करके गए सर यहाँ पर ला के रखी हुई है यहाँ पर इस गेम के लिए। तो आपको बता दो कि आपको कहाँ कहाँ पर जो है वो लेजेंडरी मिलने वाले हैं, लेजेंडरी फाइटर्स उनके गए सर मैं आप लोगों को लोकेशन जो है वो परफेक्ट यहाँ पर देने वाला हूँ। मैं भी दोस्तों यार ऑफस्क्रीन दोस्तों फाइंड कर रहा था तभी मुझे पता चला, वरना तो यार मेरा भी पोपट हो जाता था। तो अभी मैंने यहाँ पर मैक्स रेपल का इस्तेमाल कर लेते हैं, 16 बचे हैं तो देखते हैं गाइस यार शायद 16 तक हमारा जो है वो कह सकते हो कि अपना पोस्ट गेम भी कंप्लीट हो जाए। ज्यादा कुछ एपिसोड बचे नहीं है यहाँ पर, टोटल आप लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया होगा कह सकते हैं कि अपने थंबनेल में कि यार टोटल मैंने आज 4 फाइटर्स पकड़ने वाला हूँ मैं, यानी कि 4 रेयर फाइटर्स। एंड इसलिए मैंने यहाँ पर आपको गोल्डन कैप्सूल के भी यहाँ पर मैंने कमेंट में दोस्तों यार ये देखे रखी हुई है। पोकी क्विज भी शायद जल्दी आ जाएगा यहाँ पर, जैसे ही मुझे पता चलेगा कि आधा टाइम हो चुका है एंड मुझे पोकी क्विज मिल चुका है तो पोकी क्विज आ जाएगा। आप लोगों ने शुरू में तो यार देखते ही हो कि पोकी क्विज का फॉर्मेट कैसे रहता है, आप लोगों को जो है वो स्क्रीन मतलब कि जो जो शाउट आउट के दोस्तों यार जो जो विनर्स रहते हैं उनका मैं यहाँ पे दोस्तों 1st 5 सेकेंड्स में यहाँ पर उनका मैं कमेंट में दिखा देता हूँ उन्होंने कैसे आंसर दिया था। एंड गाइज यार यहाँ पर आप लोगों को तो पता ही है मैं उनके चैनल का भी लिंक यार नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। सो यस गाइज यार हियर वी गो थ्रू द गेमर वर्सेस द हाई चियाक। ओके हट चियाक। ओके तो यार ये अपना इसे पकड़ लेते हैं, गोल्डन कैप्सूल तो है मेरे पास यहाँ पे, इसलिए मैं आरू विलेज में गया था यार गोल्डन कैप्सूल लेने के लिए। ये शायद मेरी इस गेम की फर्स्ट चीट होगी एंड आखिरी तो नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमें बर्थ आइलैंड एंड नेवल रॉक की भी चीट लगेगी, तो इसलिए जो है यहाँ पर मुझे वो चीट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो यार यहाँ पर अभी देखते हैं। इनिशियली इट्स अ मशीन क्रिएटेड बाय द डॉक्टर राइची, इट टर्न इट टू अ मॉन्स्टर फुल ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट द सायंस। ओके तो ये गोकू के लिए काफी ज्यादा घातक फाइटर है। ओके चलो यार अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि अभी मेरे पास तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी हमारा कोई भी बैटल नहीं होने वाला है इसलिए अभी अच्छी बात है, वरना तो यार इसे मैं अपने पक्का यार टीम में ही रख देता था जब भी मुझे अपने राइवल के साथ बैटल करने का मौका मिलता था तभी उसके साथ ही करता था। तो चलो यार अभी हम जाने वाले हैं गाइस इधर सीफॉर्म आइलैंड के लिए एक और अपने फाइटर को कैच करने के लिए। देखते हैं गाइस यहाँ पर अभी वो मुझे सही लोकेशन पर मिलता है या नहीं, क्योंकि गाइस जितने फाइटर्स मुझे याद है ना मतलब कि जितने पोकेमॉन्स अगर मैं कहूँ ना पोकेमॉन फायरड में जितने आप पकड़ सकते हो शायद उन लोगों ने यार सभी के सभी को यहाँ पर फाइटर्स के साथ रिप्लेस कर दिया है रेयर फाइटर्स के साथ, तो वही हम यहाँ पर देखने के लिए जाने वाले हैं यार। मतलब कि ये गेम भी जो है वो को बता दूं कि परसों जो है गाइस यार ये भी जो है वो क्या चल रहा है
और थर्सडे है ना, तो फ्राइडे सैटरडे को, यहाँ पर सैटरडे को जो है वो गेम खत्म हो जाएगा होपफुली अगर वीडियो आई तो, एंड संडे को जो है यहाँ पर अपने नए गेम का ट्रेलर आ जाएगा। अगर मैंने कुछ गड़बड़ ना हुई तो मैं रिलीज भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी हम चलते हैं, स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे इन बोल्डर्स को पुश करने के लिए। तो अभी मैं ना क्या करता हूँ, वो तो बोल्डर यहाँ पर मुझे कोई भी काम का तो है नहीं, तो अभी मेरा क्या करता हूँ गाइस, ओके मुझे आराम आराम से लेकर जाना है उस बोल्डर को। सबसे पहले इसे हटा देते हैं, एंड अभी जो है वो इसको यहाँ पर हटाने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले रेपल इस्तेमाल करते हैं। मुझे कोई भी यहाँ पर गड़बड़ नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर वो प्रेस नीचे जाना होगा। ओके ये भी ढकल दिया, अभी इसको भी ढकल देते हैं एंड हम भी जाते हैं नीचे की तरफ। एंड दैट्स इट गाइस, यहाँ पर अभी जो है हमने सेकेंड फाइटर को भी यहाँ पर स्पॉट कर लिया है विद इन दी 6th मिनट। एंड आज का पोके क्विज भी आपको आ गया होगा, तो पोके क्विज है गाइस, इस फाइटर का नाम क्या है, बोजैक है इसका नाम, मैंने आंसर भी बता दिया यार आप लोगों के लिए, सोने पे सुहागा हो गया यहाँ पर। तो इस फाइटर का नाम क्या है आप लोगों को बता देना है, जितने जिन लोगों ने अब परफेक्टली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा इस फाइटर का नाम क्या है, मैंने अभी जस्ट अनाउंस कर दिया, आंसर भी मैंने बोल दिया यार आप लोगों को, और भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने सेकंड फाइटर को भी कैच कर लिया है, रीजनल लेजेंडरी फाइटर को, जिसका नाम है बोजैक, ही इज अ डेंजरस मर्सनरी, मेनी गैलेक्सीज वर कॉन्करड बाय दिस बैडमैन। ओके तो सर के सर यार बैडमैन ही है क्या, सब लोग यार डिजाइन ही ऐसे करा हुआ है क्या बैडमैन की तरह। तो चलो यार मजा किया, लेजेंडरीज तो यहाँ पर मदद करने के लिए होते हैं ना, ये लोग यार बैडमैन है, चलो शायद इन लोगों की और सोच होगी। तो अभी हम इस्तेमाल करते हैं गाइजर फ्लाइंग गिम्बस यानी कि एस्केप रोप। तो अभी जाते हैं गाइजर थर्ड फाइटर को कैच करने के लिए, यहाँ से सीधा रेड रिबन बेस के लिए एंड वन आइलैंड के लिए। यस गाइजर अपना नेक्स्ट फाइटर भी यार वन आइलैंड में ही, अपना थर्ड फाइटर आज का वन आइलैंड में ही होने वाला है, कैच वहीं पर करेंगे हम, तो वहीं पर चलना होगा मुझे यार उसे पकड़ने के लिए। उसे पकड़ना यार इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड देन गाइस यहाँ पर मुझे इन सर्किल सर्किल का तो बैटल भी करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये बैटल्स तो आप लोगों को स्किप ही मिलते हैं, इसलिए कोई भी डरने की बात नहीं है, बट मुझे जो है वो करने पड़ते हैं क्योंकि यार ऐसे ही मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ओके सो यस यहाँ पर इस एम्बर के स्पा में चलकर यार मुझे वो जो है वो स्ट्रेंथ शायद मिलेगी या रॉक स्मैश मिलेगा, मुझे पता नहीं, रॉक स्ट्रेंथ तो है शायद मेरे पास, बट मुझे जो है वो रॉक स्मैश की भी ज़रूरत होगी ना, तो पता नहीं मुझे कहाँ पर मिलेगा वो रॉक स्मैश, शायद इन दादाजी दे देंगे मुझे। ओके यस एचएन नंबर 6 मुझे मिल चुका है रॉक्स स्मैश। तो अभी जो है गाइस यार यहाँ पर अभी हम चलते हैं अपने आगे सफर की तरफ। तो गाइजर यहाँ पर अभी हम चलते हैं सीधा यहाँ पर, मैं स्ट्रेंथ तो मुझे यहाँ पर पहले से सीख लिया है, तो यस मुझे स्ट्रेंथ की तो अभी कोई भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत तो नहीं है अब तक। एंड गाइजर यहाँ से अभी हम चलते हैं। ओके सो अभी मैंने यहाँ पर अपना रेपल ख़त्म हो चुका है, शायद वो मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके चलो एक्टिवेट भी कर दिया, ये शायद अपना 4th या 3rd रेपल था आज के दिन का, पता नहीं यार 12 रेपल मेरे कंप्लीट हो भी पाएंगे नहीं, वरना तो मुझे लेने पड़ेंगे। तो चलो गाइजर यहाँ पर अभी हम चलते हैं, यहाँ से हम आ चुके हैं गाइजर माउंट एम्बो में यहाँ पर अपना इस आज का लास्ट फाइटर कैच करने के लिए। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी हम चलते हैं यहाँ से सीधा, अभी मैं थोड़ी सी लाउड नॉइज नहीं करता हूँ, मुझे यहाँ पर धीरे धीरे चलकर जाना है, मुझे उस फाइटर को यार पता नहीं चलने देना है कि हम वहाँ पे उसको कैच करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर दोस्तों यार धीरे धीरे से जा रहा हूँ यहाँ पे। ओके सो यस यहाँ पर मुझे रॉक स्पैश सिखाना पड़ेगा अभी उस फाइटर को जहाँ पर हमें वो मिला था। तो चलो यार यहाँ पर अभी मैं उस सीख लेता हूँ। तो ऑल राइट गाइजर यहाँ पर मैंने सीखा तो नहीं है क्योंकि अभी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसको इस्तेमाल करने की। ओके यहाँ पर देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। ऑल राइट हमें मिल चुका है एक डायर हिट, तो छोड़ो यार अभी वो उसके पता चल गया तो पता चल जाए, तो हमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलो गाइजर यहाँ पर अभी अच्छा हुआ मैंने बस मैक्स रेपल्स है, वरना जो सुपर रेपल्स मुझे ज़्यादा लेने पड़ते थे। ओके ये भी बैटल हमने कम्प्लीट कर दिया, तो ऑल राइट इस केव के अंदर से जाना होगा हमें माउंट एम्बा में। सो यहाँ से अभी ऊपर की तरफ देन दी राइट्स में जाना होगा हमें। अच्छा हुआ कि कोई भी बैटल नहीं है अभी यहाँ पर इस माउंट एम्बर में, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा हॉट है ना, इसलिए शायद यहाँ पर कोई भी रुकता नहीं होगा। तो चलो यार यहाँ से अभी बाहर की तरफ चलते हैं यहाँ से। ओके तो हम आ चुके हैं दोस्तों बाहर की तरफ, एंड ऑल राइट अभी जो है हमें जाना है यहाँ से ऊपर की तरफ, बट बिफोर दैट यहाँ पर अभी हम चलते हैं यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ, एंड दैट्स इट यहाँ से अभी ये बोल्डर्स मुझे पुश आउट करने पड़ेंगे, अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे ताकि कोई भी गड़बड़ ना आ जाए इनको पुश करने में। ओके तो अभी यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ जाकर राइट एंड राइट, ये कौन सा फाइटर है देख लेते हैं।
काराकोट, पता नहीं आ रही है कौन सा फाइटर है। ब्रॉली, ओके तो यार एक ब्रॉली है हम यहाँ पर पकड़ने वाले हैं, इसे गोल्डन कैप्सूल दे देते हैं इसको भी। यहाँ पर अपने इस आज का दोस्तों यार थर्ड फाइटर भी हमने कैच कर दिया है, बट अभी भी वीडियो को ख़त्म करने का वक्त नहीं आ चुका है क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा समय बचा है हमारे पास। तो जाने वाले हैं गाइस यार यहाँ से सीधा, ओके सो ही इज़ अ टॉर्मिनेटेड बाय द डीप रेज, ही लुक्स क्वाइट बट हिज एंगर कैन एक्सप्लोड एट एनी मोमेंट। तो गाइस यार यहाँ पर अभी हम चलते हैं सीधा यहाँ से अपने आगे के सफर की तरफ जो कि होगा माउंट मून में। यस गाइस यार माउंट मून में यहाँ पर अपना आज का आखिरी फाइटर हम कैच करने के लिए जाने वाले हैं। तो उसके पहले यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो एस्केप रोप इस्तेमाल करनी पड़ेगी, मेरे पास अभी दो ही बची हैं तो मुझे वाइजली इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो तो एक मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी माउंट मून में। तो अभी इसमें जाएगा हूँ यहाँ पर सीधा वन आइलैंड की तरफ एंड देन गाइस ना हम चलेंगे सीधा यहाँ से कहाँ पे जाना है हमें, नेमक टाउन के लिए, नमेक टाउन के लिए जाना है हमें। तो अभी चलते हैं सीधा यहाँ से नमेक टाउन के लिए, तो यस नमेक टाउन में जाना होगा हमें यहाँ से। तो लेट्स गो गाइस यहाँ पर अभी हम चलते हैं नमेक टाउन के लिए, हमें यहाँ से अभी ऊपर की तरफ जाना होगा, भाग के जाने वाला हूँ मैं जल्दी से जल्दी। आपको कैसे पार कर सकते हो ना आप लोग जो है वो जल्दी से जल्दी कैसे पहुँच सकते हो वो मैं आपको अभी बताने के लिए जाने वाला हूँ। थोड़ी स्पीड रन हम थोड़ा सा सेकेंड के लिए करेंगे, बाकी के बाद में यहाँ पर मैं आराम से चलूँगा, अभी यहाँ पर मैं आराम से चल रहा हूँ। ओके सो यस हम आ चुके हैं उस केव में, जहाँ ये इस केव में हम जब तक नहीं जा सकते तब तक गाइस यार हम जो है गाइस क्या बोलते हैं ना इसे, तब तक हम चैंपियन नहीं बन जाते तब तक इस केव में नहीं जा सकते, वरना तो एक आदमी खड़ा रहता है जो हमें जाने नहीं देता इस केव में। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी मुझे सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से दोस्तों आगे की तरफ जाने के लिए, तो देखते हैं इधर सही रास्ता कैसे होता है यहाँ पे। ओके हमें मिल चुका है एक सेंजो, तो गाइस यहाँ पर अभी और चलता हूँ इस आइसफॉल इम्पीरियल केव में, ना कि माउंट मून में, इम्पीरियल केव में है हम। मुझे लगा कि यार माउंट मून में होंगे लेकिन हम इम्पीरियल केव में हैं, एंड अभी मुझे लगता है कि यार जरूरी हो गया यहाँ पे दोस्तों रॉक्स में सिखाना, वरना तो यार अभी मैं आगे की तरफ नहीं बढ़ पाऊंगा इसके बिना इसके वजह से। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी इस तरह जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, पीपी अप मिल गया मुझे यहाँ पर अभी। तो लेट्स गो अभी यहाँ से और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, मैक्स एलिक्सियर मिल गया मुझे अभी, इसको भी यार अभी ऑक्समैस देना पड़ा गया। ओके यहाँ से भी रास्ता बंद है यार, पता नहीं अभी रास्ता कहाँ से मिलेगा मुझे, मुझे अच्छे से जाना है, जल्दी से जल्दी मुझे पहुँचना है यहाँ पे। ओके तो चलो गाइस यहाँ पर अभी देखते हैं मुझे और कहीं से जाने का रास्ता मिल जाएगा क्या। ओके मैक्स रेपल अभी 10 ही बचे हैं, 9 ही बचे हैं अभी, इसका अभी मुझे तो यार ये अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा पूरा का पूरा एक्सप्लोर करने तक। यार यहाँ पर भी नहीं है रास्ता, ओके तो शायद वो जो यहाँ से चलते हैं अभी नीचे की तरफ अल्ट्रा कैप्सूल मिल गए, बट गाइस मुझे लगता है ना वो जो सीढ़ी दिख रही है ना वहाँ से शायद रास्ता हो सकता है। तो अभी मुझे मिल गई एक रेड स्वॉर्ड, अभी यहाँ से जो ये सीढ़ी है ना शायद यहीं से शायद रास्ता होगा गाइस अच्छे से, एक बार इस यहाँ पर एक्सप्लोर कर देख लेते हैं। ओके तो वो लेवल 64 के अभी फाइटर्स आ रहे हैं, तो शायद अभी हम बच नहीं पाएंगे यार, लेवल 64 के फाइटर्स आ रहे हैं तो मुझे आप देख ही सकते हो यार लेवल 61 अच्छे खासे यार अच्छे खासे यहाँ पर लेवल्स के फाइटर्स आ रहे हैं। तो अभी जो है यहाँ पर मैं यहाँ से नीचे की तरफ चलता हूँ अभी इस लेफ्ट में, एंड यहाँ से अभी नीचे की तरफ चलकर हमें जाना होगा, शायद हम सही रास्ते पर हैं इसलिए मुझे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पर। तो ऑल राइट गाइस यार यहाँ पर सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज ऑन द टुडेज वीडियो, तो चलते हैं यहाँ पर अभी ऊपर की तरफ एंड पोके क्विज का आंसर यार जल्दी से जल्दी दे दो वरना वीडियो ख़त्म हो जाएगी और आप लोग जो है थर्ड आ गए तो आप लोगों का ही नुकसान होगा, बट कोई बात नहीं यार कल दे दीजिएगा, कल तो दो हर दिन जो से यार दो दो वीडियो जाती है एक्सेप्ट संडे, संडे को बस एक हेड्स एंड टेल्स की वीडियो आएगी एंड आई गेस हाँ इस बार जो है वो एक इंट्रोडक्शन भी आएगा अपने इस गेम का। तो देखते हैं यार जो अपना इस आज का जो है वो लास्ट फाइटर कौन सा होता है यहाँ पे। ओके हियर वी गो थ्रू द गेम वर्सेस द बीरस, ओके सो यस म्यूटू का यहाँ पर उन लोगों ने रिप्लेसमेंट दिया है बीरस। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी इसको भी हम पकड़ लेते हैं विदाउट एनी फर्दर, यहाँ पर मैं दे देता हूँ गोल्डन कैप्सूल। ऑल राइट लेवल 70 का था बीरस, 1 2 का हो दैट्स इट, हमने यहाँ पर दोस्तों बीरस को भी कैच आउट कर दिया है लेवल 70। ओके देख लेते हैं उसका पोकेडेक्स, He is the god of the destruction. No being can challenge him. His power is denied. Divine.
तो चलो गाइजर यहाँ पर अभी इस बैटल को भी खत्म कर, मतलब कि हमने यहाँ पर सारे फाइटर्स को उसको कैच आउट कर दिया है। तो गाइजर आज इस वाले वीडियो इतना ही, वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है गाइजर आपको यह वाला एपिसोड पसंद आया हो, आई होप अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे फॉलो कर लो यार, मेरी सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यार आज इस वाले वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते दोस्तों यार अपनी पोकेमॉन।